ओम शांति। मेरा शारीरिक नाम संतोष भाई। मैं ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में 2007 में आया, तो आने की वजह ये रही कि 2006 से मुझे कुछ अनुभूतियाँ होना शुरू हो गई, जैसे कोई अलौकिक शक्ति जैसे मेरे साथ है और वो मुझे कोई रास्ता दिखाना चाहती है, लेकिन मैं उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो हालांकि पिछले जो संस्कार थे वो कुछ नशे में, शराब, बीड़ी, सिगरेट, चर्स वगैरह, ये सब हमारी एक यूथ की कुछ सोसाइटी ऐसी थी जो इस चक्कर में लगी हुई थी, क्योंकि ज्ञान नहीं था, क्योंकि समाज में कुछ आज की जो जनरेशन है वो कुछ कम समझती है, क्योंकि माँ बाप के साथ कम टाइम गुजारने की वजह से या अच्छी संगति में कम बैठने की वजह से कई बार बच्चे जो है वो कुसंगति में लग जाते हैं। तो ऐसे हमारा भी हुआ। तो 2006 में मैं कहीं बैठा और मुझे जैसा ऐसे टचिंग आने लगी, जैसे कोई शक्ति ऐसी है जो मुझे कोई रास्ता दिखाना चाहती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या है। लेकिन इतना ज़रूर था कि भगवान को मानते थे तो भगवान की तरफ ध्यान करते थे कि चलो कोई ना कोई ताकत है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या है। लेकिन एक मुख से एक शब्द निकलना शुरू हो गया, बाबा। और वो बाबा शब्द जब मेरे मुँह से निकलता था तो जो मेरे साथी या मित्र दोस्त थे वो मतलब गदगद हो जाते थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये शब्द मतलब बोलते ही कुछ अनुभूति इतनी अच्छी होती थी। तो बीच में ऐसा हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि हम बैठे हैं कहीं और मुझे ऐसा लगा जैसे डेड साइलेंस में चला गया मैं, जैसे साउंडलेस हो गया सब कुछ, जैसे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। बसें जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन साउंड ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि किसी और दुनिया में मैं चला गया हूँ, और इतना मिठास और इतना अच्छा अनुभव हुआ। उसके बाद भगवान की तरफ और इच्छा बढ़ी कि तलाश करनी चाहिए कि भगवान कौन है। तो जो भी मंदिर दिखे, जो भी मूर्तियाँ दिखे, तो नतमस्तक होना और कई तरीके से कोशिश करता रहा, लेकिन नशे में फिर भी वो लगे रहे जैसे चला हुआ था रूटीन। तो बीच में अंदर से ऐसे संकल्प आया एक कि भी नशा छोड़ देना है। तो मैंने हालांकि शिव बाबा को शंकर के रूप में मानते थे, शिवलिंग के रूप में भी, लेकिन ज्ञान नहीं था। तो मैंने शिव बाबा से बोला कि मैं ये छोड़ दूंगा, और एक दिन मैंने संकल्प ले लिया। हालांकि मेरा इसका खर्चा रूटीन का 500-1000 रुपये रोज़ का चर्च के लिए मुझे चाहिए होता था, तो वो यूज करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक दिन संकल्प ले लिया, तो उस दिन मैंने कसम खाई कि आज मैं नहीं करूँगा। लेकिन उस दिन मेरी स्थिति इतनी ख़राब रही कि मेरा चित्त ना लगे कहीं भी और मैं बड़ा डिस्टर्ब रहा। लेकिन फिर भी शाम के टाइम मैंने दोबारा फिर नशा थोड़ा सा कर लिया। तो उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर की तरफ जा रहा था, तो बीच में ब्रह्मा कुमारी आश्रम था, तो मुझे कोई इस बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे पाँव चलते चलते वहाँ रुक गए। तो मैंने देखा कि मेरे पाँव आगे नहीं बढ़ रहे, जैसे ऐसा इच्छा हो रही है कि मतलब इस तरफ जाना चाहिए, मतलब गेट की तरफ जाना चाहिए। तो मैं गेट की तरफ चला गया और मुझे ज्ञान कुछ नहीं था कि अंदर कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने जैसे गेट खोला तो बेल लगाई मैंने, तो एक बहन बाहर आए, उन्होंने बोला कि आएँ भाई जी, आएँ। जब मैं अंदर गया तो मैंने वहाँ लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा। हालांकि शिव बाबा का तो मुझे ज्ञान था नहीं, लेकिन मैंने ब्रह्मा बाबा और लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा, तो मेरे आँखों से मतलब आंसू खुद ही बहने लगे, जैसे मुझे नहीं पता क्यों बह रहे हैं, लेकिन वो लगातार रूटीन में बहने लगे आंसू। तो 10-15 मिनट में वहाँ पर ऐसे बैठा। फिर उसके बाद बहन ने बोला कि आप भाई जी, उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्यों भाई रो रहा है, क्या चक्कर है, कोई डिस्टर्ब तो नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं तो चुप रहा, हालांकि रोया। और उन्होंने बोला कि कल आप आओ सुबह और आप क्लासें कर लो पहले। तो दूसरे दिन से फिर मैंने 8 बजे से हालांकि क्लासें शुरू करी सुबह से, तो 7 दिन का कोर्स किया। उसके बाद मैंने मुरली रूटीन में, और रूटीन में ज्ञान जब पूरा मुझे समझ बैठा तो मुझे पता लगा कि भगवान कौन है, और भगवान धरा पे आ चुके हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा भारी आनंद हुआ कि मैं तो जिसको ढूंढ रहा था वो तो मुझे मिल गया।
लेकिन थोड़ा सा मैं क्या पिछला थोड़ा बताना चाहूँगा। बीच में ऐसा हुआ कि मैंने नशे को छोड़ने के लिए एक आध हफ्ता जैसे घर में रहने की कोशिश की कि मैं बाहर ना निकलूँ, मतलब मार्केट में ना जाऊँ कहीं, ताकि दोस्ती संगत से थोड़ा सा किनारा रहे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हफ्ते में मैं खेत में काम कर रहा था, तो मार्केट की तरफ एक दिन छोटी सी मार्केट है वहाँ थोड़ा सा गया मैं ऐसे घूमता हुआ। मैंने कहा एक हफ्ता हो गया थोड़ा टहल लेता हूँ, तो वहाँ मेरा एक दोस्त कहीं बाइक में आ गया। उसने मुझे बिठाया और बोला कि भाई आप दिखते नहीं हैं आजकल। मैंने कहा ऐसे ही है। तो उसने बोला कि थोड़ा चलो शहर की तरफ, आप आते नहीं हैं। पता नहीं मेरी बुद्धि में क्या आया ऐसा, और मैं साथ में उनके चला गया। और जहाँ गए और वहाँ और दोस्त भी थे बैठ गए, अब वो नशा नुशा करते थे, तो मैंने तो विचार बनाया हुआ था कि मैं नशे नहीं करूँगा। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि वो नशे कर रहे थे, वो बैठे थे खाने पीने कुछ कर रहे थे अपना जो भी है, तो उनका कुछ आपस में कुछ एक दूसरी पार्टी से कुछ चला हुआ था बिजनेस का ही। तो बीच में ऐसा हुआ कि मैं उधर आराम से बैठा हूँ और मेरी अचानक ही आँख लग गई और मैं थोड़ा सो गया। तो जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि एक डेढ़ दो घंटे बाद उठा, रात का शाम का टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था, तो वो कोई भी नहीं है भाई वहाँ। और मैंने सोचा कहीं गए होने, मैं दोबारा फिर सो गया। मैं कहा चलो अब अंधेरा तो हो गया, अब देखता हूँ या सुबह जाऊँगा या फिर जैसे भी है, गाड़ी थी मेरे पास, मैं कहा शाम को रात को चला जाऊँगा। तो ऐसा हुआ कि मेरी दोबारा आँख लग गई और रात को 11-12 बजे का टाइम था और दरवाज़ा लॉक हुआ, तो बाहर मैंने देखा कि पुलिस है। अब वहाँ और भाई जो मित्र दोस्त थे मेरे वो कोई नहीं था, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ कुछ हुआ है, तो बाहर कुछ ऐसा सामान रखा हुआ था जो कुछ चोरी का था, जैसे दूसरे बिजनेसमैन से जो उनका था आपस में उसका था कुछ मटेरियल, उन्होंने गुस्से में वो उठा लिया था कि क्या किया था। तो उस चक्कर में पुलिस वालों ने क्या किया कि वो केस मेरे ऊपर बना, क्योंकि अब वो तो कोई नहीं हाजिर नहीं थे उधर, तो बाद में तो खैर वो भी हाजिर हुए, लेकिन मुझे पता था कि मेरी गलती कोई नहीं है। लेकिन अब जब सामने मैं देखा गया और वहाँ सामान बाहर दरवाजे में मिला, तो फिर तो केस मेरे ऊपर बना वो। तो ऐसे मुझे 2-3 दिन मतलब जेल में लग गए, बंद रहा 2-3 दिन के लिए। उसमें शनिवार और संडे आ गया, जमानत हुई नहीं, और घर में परेशानी होगी कि यार ये क्या हो गया अचानक, इसको क्या हो गया। फिर मैं हालांकि साइलेंट रहा, और साइलेंट रहने के बाद मैंने क्या किया कि 2-3 दिन बाद जब मैं बाहर आया, तो मैं जो पौड़ियाँ नीचे को उतर रहा था, तो मैंने संकल्प लिया भगवान से कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मतलब मैंने कुछ गलत किया नहीं, फिर भी मैं क्यों इस चक्कर में आ गया। तो मुझे अनुभूतियाँ बड़े पहले से होने लगी इसी जैसे टचिंग जैसी। तो सामने से गाड़ी गई, उस गाड़ी था टेम्पू था सोसाइटी का, उसमें लिखा था सोसाइटी, और मुझे वही शब्द नज़र में टिका भाई सोसाइटी। तो मुझे लगा कि जो मेरी सोसाइटी है उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो उसके बाद मैंने वो सोसाइटी बिल्कुल छोड़ दी और अपने आप को मतलब सेफ जगह या ठीक जगह रखने की कोशिश की, ताकि मैं थोड़ा सोसाइटी से बचा रहूँ। तो ये चीज़ें हैं कि यूथ जो है जितना भी उसको समझ नहीं होती है अच्छे बुरे की, तो वो कोई भी रास्ता पकड़ लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी का एक बहुत लंबा टाइम जो है वो व्यर्थ उनका गुजर जाता है। उसमें जब तक उनको समझ आती है तब तक बहुत कुछ उनका छिन गया होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यूथ जो है इस चीज़ को बड़े सही तरीके से समझे। और मैं तो ज़्यादातर ये कहूँगा कि माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम अपना गुजारें, और अपनी पढ़ाई में जैसे भी है जो आप कर रहे हैं उसमें अपना ध्यान दें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ब्रह्मा कुमारीज में आएँ, मेडिटेशन योग या जो भी है क्लासें आप करें, सीखें। इससे क्या होगा कि अगर आप, ये नहीं है कि आपको रूटीन में वैसा पढ़ना पड़ेगा कि आपको वैसे कपड़े डालने पड़ेंगे कि आपको क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन चीज़ों को सीखें फिर अपने घर में रहें, अपने घर में करें। भगवान ऐसा नहीं है कि आपको यही मिलेगा कि वहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, परिचय आपको सच्चाई का जो सत्य का मिलेगा, उसके बाद अपने आप घर में करें अभ्यास, अपने फैमिली को सिखाएं, सबको बताएं। इससे जो है हमारी अगली जनरेशन जो है वो मजबूत रहेगी और गलत गतिविधियों या गलत चीज़ों से बचे रहेंगे। तो मैं तो यही चाहूँगा। तो ये चीज़ें हैं, जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो आपके सब कार्य अच्छी तरीके से होते हैं। अगर नहीं भी होता है तो उसमें भी हमारा भला होता है, लेकिन हमें क्या होता है कि एक जीने की अच्छी राह मिल जाती है। तो इसके साथ मैं अनुमति लेता हूँ ज़्यादा ना बोल के। ओम शांति।